औौख दिया आपको धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जीवन में जो भी हमारे विधानसभा में माननीय सदस्य या माननीय मंत्रीगण जो भी सुन के आते हैं चाहे किसी भी दल के हो पानी बिजली रो सड़क ये महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा सहाय रहता है माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के प्रथम गृहमंत्री मानव वल्लभ भाई पटेल की मांग थी और नेहरू जी को यह कहा था कि देश की प्रमुख नदियाँ और देश की जो महानगर जो शहर हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई और कलकत्ता उनको सड़कों से जोड़ दो ताकि इस देश की स्थिति सुधर जाएंगी लेकिन सभापति मुद्दे मुझे सब जानते आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ फिर तो उसमें जन्म नहीं हुआ था उसके साथ पंद्रह साल बाद जन्म हुआ लेकिन वो नहीं जोड़ने की बजाय तो मैं अभी समय नहीं इसलिए नहीं कहूँगा हो सकती है कोई वोटों की राजनीतिक भी हो उसके बाद में अगर सड़कों की किसी ने बात लाई तो एक बार नेहरू जी ने कहा था कि ये जो कौन में एक बालक बैठा है वो बालक और कोई नहीं था वो बालक था अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने देश में सड़कों के लिए किसान जन और जो मैन मैन जो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे जो शुरू किए उन्होंने किए मेगा हाईवे हो चाहे कोई भी हो उसके बाद अभी तक चलते आ रहे गांवों की ग्रामीण सड़क माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन इसलिए कि आज हम जो गांवों में आते हैं ढाणियों में आते हैं कोई जमाना था जब एक गांव में दूसरे गांव में क्योंकि बहन बेटियाँ सबकी ससुराल जाती हैं बेटी रोती रोती जाती थी और एक बैलगाड़ी के ऊपर जाते थे ना तो बेटी रो तो नहीं सकती थी बेटी का एक जो माँ बाप देते हैं वहीं जाती हैं कि ने गाय तो दो रहते यहाँ जाए मगर वो कहती थी कि गाड़ू सूटू कुदरे पगों ने खाए बेटी पूछे बाप ने तो वो सभापति मोदे इस देश की 72 टू वर्ष की आज़ादी के बाद आज जो हमारी सड़कों की स्थिति है वास्तव में ढाई साल से ये सड़क बिल्कुल ही एकदम ठप पड़ी है आप भी जानते हैं पूरा सदन जानता है मान्य बसुंधराज ने जाते जाते उसको पता नहीं था कि सरकार आएंगे जाएंगे सरकारें आती रहती हैं जाते रहते उसको फर्क नहीं पड़ता है लेकिन कम से कम हर विधायक को 100-100 किलोमीटर और 15-15 किलोमीटर सड़क मिसिंग लीन दी थे ढाई साल से एक बीस सड़क नहीं दी मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दूंगा ऐसी कोई बात नहीं कि मैं किसी के लिपा पोती करूँगा उन्होंने दो सड़क दी एक हमारे भाई साहब जोगेश्वर जी ग्रह की मेरी और हेमा राम जी की गुड़ा माली हेमा राम जी का नाम मैं तो कोई बात नहीं गुड़ा माली की तो है हेमा <laughs> राम जी का विधानसभा क्षेत्र है उसमें एक सड़क दी इसलिए उनको धन्यवाद एक सड़क उन्होंने रानीवाड़ा राम सिंह रानीवाड़ा और भेनमाल से दी लेकिन उसमें एक आरो आरो भी जो है मैन क्योंकि मैन मुख्य जो नगर है जालोर के बाद में जालोर के बाद में जालोर जिले में और जोधपुर संभाग के अंदर अगर बीस का कोई मेन पॉइंट है तो वो भिंदमाल और पूरे विश्व के अंदर वो भिंडमाल पहले से प्रसिद्ध आज से नहीं है क्योंकि वहाँ बड़े पंडित ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाला वध लिखा था वो पहला ग्रंथ था जो उन्होंने लिखा था वो भिंदमाल के रहने वाले थे माननीय सभापति मोदी हमारी जो मुख्य सड़कें है वो दो हजार मैन सड़क है बागोड़ा जो एक डिफेंस रोड भी है सी में वो पहले सेंक्शन हुई थी उसको पंद्रह बरस से बिल्कुल टूटी पड़ी है बिल्कुल टूट गई है आज की स्थिति में एक सड़क बनाने की कृपा करें दूसरी स्टेट हाईवे नरसाना बागोड़ा नरसाना सॉरी नरसाना झाप और मिठी बेरी जो सासोर और भिंडमाल विधानसभा क्षेत्र से पूरी बार बॉर्डर जोड़ती हैं तीसरी सड़क है भीजमाल पूनासा वो भी साहस से जोड़ती है सेवाड़ा ये मैन मैन है स्टेट हाईवे हैं ये स्टेट हाईवे अगर नहीं जोड़े तो लोगों को चलने के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है परिस्थितियाँ बड़ी खराब है मुझे आखिरी एक बार निवेदन सर सर एक मिनट जो माननीय विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री ने पाँच पाँच रुपये सड़क के लिए दिए हैं उसकी जगह कम से कम दस दस करोड़ दें सबको ताकि ये नॉन पैसेबल और मिसिंग लिंक बन सके धन्यवाद जय हिंद मान्य सभापति महोदय आज मांग संख्या 21 सड़क और पुल के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई समय कम है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए मान्य सभापति महोदय राजस्थान के विकास पुरुष लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने शानदार बजट देकर ये साबित कर दिया विपक्ष की बोलती बंद हो गई बड़े सदमे में है कि ये तो सुनावी बजट है ये तो घोषणा जीवी है लेकिन माननीय सभापति महोदय इतनी शानदार घोषणा और सौगात देने की हिम्मत किसी में है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैं मान्य सभापति महोदय हमारे बाड़मेर जैसलमेर का सुझाव रखना चाहता हूँ इलाका और बड़ा क्षेत्रफल जैसलमेर और बाड़मेर बहुत बड़ा भूभाग है और इस क्षेत्रफल में जनसंख्या की बजाय मैंने 295 के अंतर्गत भी मुद्दा उठाया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि